नमस्कार दोस्तों, राधा मोहन का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से राधा बोलती हुई नजर आने वाली है कि गुनगुन पर इतना ज्यादा खतरा था, इतनी उसे मारने की साजिश हुई है और तुलसी दीदी ने बचाया तक नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि दोस्तों राधा को वाकई में चिंता जो हो रही है वो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि अब उसे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि तुलसी दीदी भी इस समय थोड़ा कहीं परेशानी में हो, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गुनगुन पर कोई अटैक करे और तुलसी साथ ना दे। और राधा ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि तुलसी बहुत सहायता करती है सभी लोगों की, क्योंकि दोस्तों ये पूरे का पूरा प्लान दामिनी और उसकी माँ कावेरी का जो प्लान है वो पूरी तरीके से अफेल होता हुआ भी नज़र आने वाला है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कहानी में बहुत कुछ लिखा जाने वाला बाकी है। आप लोग जानते हैं कि इस समय सभी लोग बेहद ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है, क्योंकि इस समय जो हुआ है वो भी दोस्तों बहुत ज़्यादा गलत होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जहाँ पर एक छोटी बच्ची गुनगुन को मारने के लिए इतनी बड़ी कोई साजिश रच सकता है ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि राधा बहुत ज़्यादा डरी हुई है गुनगुन को लेकर, क्योंकि वाकई में वो गुनगुन से बेहद ज़्यादा मोहब्बत करती है और गुनगुन को कोई दिक्कत हो तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। गुनगुन हमेशा से ही राधा की फेवरेट रही है, क्योंकि राधा ने उसे अपनी बेटी की तरह बच्ची की तरह ट्रीट किया है, अच्छी तरीके से संभाला है। लेकिन अब आखिरकार राधा इस चीज़ की पूरी जांच निकालेगी कि आखिरकार यहां पर उसके साथ में ये सब कुछ हादसा कैसे होने वाला था, क्योंकि अब साफ साफ सभी मोहरे खुलते हुए नज़र आने वाले हैं। क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही है आखिरकार राधा, क्योंकि दामिनी जेल जाना उसका निश्चित है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसे लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू।